गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुशील दुबे है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ साईं कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई में। आज की क्लास में हम एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब को कवर करेंगे। आज का जो लेक्चर होगा वो इंसर्ट टैब के रिबन्स में उपलब्ध सारे फीचर्स को हम एक बार व्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एमएस एक्सेल में यहाँ पर इंसर्ट टैब दिया होता है या इंसर्ट के रिबन में कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है आपको इंसर्ट टेबल, यहाँ पर आप किसी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने एक्सेल के वर्कशीट में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और टेबल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। टेबल ऑप्शन पर क्लिक करने से आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स आएंगी। इन ऑप्शंस का यूज़ करके हम टेबल की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक डेटा टाइप कर लेते हैं, ऐसे डमी डेटा। मैं यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट नेम और उनका एज, एक डमी डेटा हम यहाँ तैयार कर लेते हैं। तो मैं स्टूडेंट का नेम यहाँ लिख देता हूँ मोहन, सोहन और रमेश। एज भी मैंने डमी दे दिया 10, 20 और 30। अब अगर मुझे इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में या प्री डिफाइंड टेबल जो यहाँ पर इनबिल्ट टेबल बने होते हैं उसमें कन्वर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट ऑप्शन में जाऊँगा, इंसर्ट टैब में, और टेबल ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। तो इंसर्ट टेबल को सेलेक्ट करते ही ये हमारा रेंज डिस्प्ले करेगा और टेबल हेडर को भी इंक्लूड कर लेगा। इस पर क्लिक करते ही हमारा जो ये सेलेक्टेड डेटा था वो टेबल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें कुछ डिज़ाइन भी दी हुई है, हम अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर डिज़ाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल के लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे रिमूव डुप्लीकेट्स वगैरह को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमने डेटा टैब में भी देखा था। आपने देखा कि इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज़ करके हम किस तरीके से अपने सेलेक्टेड डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें फ़िल्टर भी कर सकते हैं। इसका यूज़ प्रिंट आउट करने पर काफ़ी क्लियर तरीके से हम इसको विजिबल हो या पढ़ सके आसानी से, उसलिए किया जाता है। आइए इंसर्ट में हम अगला ऑप्शन देखते हैं, पिवोट टेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है और रिपोर्ट जनरेशन के काम आता है। तो चलिए देखते हैं पिवोट टेबल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। पिवोट टेबल यूज़ करने के लिए पहले हम एक डेटा सेट तैयार कर लेते हैं। तो चलिए पिवोट टेबल के लिए हम डेटा सेट तैयार करते हैं। डेटा सेट तैयार करने के लिए सिंपल मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जो बिल्कुल जल्दी समझ में आ जाए। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ मंथ, मैंने मंथ लिया और यहाँ पर लिया स्टूडेंट नेम। हम ये देखते हैं कि किस मंथ में स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो हुई थी। तो अगर मैं मंथ का नाम मंथ में यहाँ पर ले लेता हूँ जनवरी, तो इस प्रकार से हम जून 6 मंथ की डिटेल लेते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं मोहन और सोहन, राजेश, रवीश और राजीव। क्लियर। तो इस तरीके से हम रिपीटेड डेटा भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फिर से ले लिया जनवरी और हम कुछ डेटा को रिपीट कर देते हैं, जैसे सोहन और राजेश, रवीश एंड राजेश, कुछ डेटा को हम रिपीट कर देते हैं। मैंने जानबूझ के इस प्रकार का डेटा सेट लिया है और हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं। ये हमारी हेडिंग है, बोल्ड कर दिया हमने। अब देखते हैं कि इसका पिवोट टेबल कैसे तैयार कर सकते हैं। पिवोट टेबल तैयार करने के लिए आप और भी कुछ डिटेल्स ले सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर इनका कलेक्शन लेना है, इन्होंने कितना कलेक्शन लिया। मान लीजिए ये 1000 लेता है, ये 2000 लिया, इसने 1500 लिया, ये 500 लिया, ये 200 लिया, ये 300 लेता है, ये 5000, ये इनका कलेक्शन भी है। तो इन कलेक्शन को मैं पिवोट टेबल से काफ़ी आसानी से मैनेज कर सकता हूँ। ये देखते हैं पिवोट टेबल कैसे तैयार करते हैं। पिवोट टेबल तैयार करने के लिए सबसे पहला आपको उस डेटा को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट टैब में जा कर के पिवोट टेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे पिवोट टेबल एंड पिवोट चार्ट का दो ऑप्शन आ रहा है।
इसका यूज़ हमको मंथली रिपोर्ट या ईयरली रिपोर्ट या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या समरी रिपोर्ट जो होती है ना, कंसोलिडेट रिपोर्ट, वो बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो पहले देखते हैं पिवोट टेबल के बारे में। पिवोट टेबल जैसे ही हम ऑप्शन ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करने से आपको एक यहाँ पर नई वर्कशीट ऐड होगी और ये सारा का सारा डेटा समराइज फॉर्म में या प्री डिफाइंड फॉर्मेट में अरेंज होकर के वहाँ पर डिस्प्ले होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने रेंज पहले से ही सेलेक्ट कर रखी है, इसलिए रेंज यहाँ पर आ गया है। न्यू वर्कशीट पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर एक वर्कशीट जो है क्रिएट हो जाएगी। मैंने यहाँ क्लिक किया, एक वर्कशीट क्रिएट हो गई है और पिवोट टेबल का फॉर्मेट यहाँ पर आ रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि पिवोट टेबल में आपको किस तरीके की डिज़ाइन चाहिए। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझेंगे, यहाँ पर फील्ड के बारे में डिज़ाइन दी जा रही है। तो यहाँ पर चार ब्लैंक बॉक्स दिख रहे हैं, इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये रो लेबल है, ये कॉलम लेबल है, ये वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज़ होगी, उनका कैलकुलेशंस होगा और ये फिल्टर्ड वैल्यू है। क्लियर? तो यहाँ बेसिकली हमको रो और कॉलम पे बेसिकली ध्यान देना है और यहाँ पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू को देंगे। तो जैसे रो में हमको चाहिए, मान लेते हैं हम स्टूडेंट नेम चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग किया, देन स्टूडेंट नेम को रो में रखा। तो ये देखिए रोज में स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट थे उनको मर्ज कर दिया है। ये मतलब अगर एक नाम रिपीट हो रहा है फिर भी सिंगल दिखा रहा है, उसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू दिखाई जा रही है। यहाँ पर मंथ को हमने कॉलम्स में ले लिया, तो आप देखिए कॉलम्स में यहाँ वैल्यू आ गई है और कलेक्शन को हम लेंगे वैल्यू में। यहाँ पर मैंने ड्रैग किया तो आप देख पा रहे हैं कि ये कंसोलिडेट डेटा आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। और पिवोट टेबल से आप देख पा रहे हैं कि मोहन ने, मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। देख पा रहे हैं कि मोहन ने जनवरी में 1000 रुपीज़ दिया और फरवरी में 2000 दिया, टोटल कलेक्शन 3000 का है। राजीव ने केवल जून में 300 दिया, राजेश ने फरवरी एंड अप्रैल में दिया। इस तरीके से टोटल कलेक्शन 11700 का है। फरवरी का टोटल कलेक्शन 2400, मार्च का टोटल कलेक्शन, इस तरीके से आप देख रहे हैं जनवरी फरवरी, और इस तरीके से कंसोलिडेट डेटा जो है वो आ रहा है आपके पास। तो आप राजेश रवीश सबकी जो डबल डबल एंट्री थी उनको ग्रुप करके कंसोलिडेट डेटा यानी मंथली रिपोर्ट जैसा यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर दिया गया है। ये यूज़ होता है बड़े डेटा सेट के साथ। जब आपका डेटा सेट काफ़ी बड़ा है, आप देख पा रहे हैं कि ओरिजिनल डेटा सेट जो है इसको समझने में कितनी दिक्कत हो रही है कि जनवरी में कितना आया, फरवरी में कितना आया या मोहन ने कितना दिया, जबकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काफ़ी आसान तरीके से आप इस डेटा को समझ पा रहे हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये इस ऑप्शन को कहते हैं पिवोट टेबल। आइए इंसर्ट में हम और भी ऑप्शंस हैं जिसको भी देख लेते हैं। जैसे आपको पिक्चर ऑप्शन दिखेगा, आप अपने एक्सेल की शीट में कोई पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट कर ली है। इसके बाद पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आप इस पर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको रीसाइज किया, रोटेट किया या और भी कई प्रकार के यहाँ पर डिज़ाइंस दी हुई है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पिक्चर इफेक्ट में 3D रोटेशन कर सकते हैं आप अपने पिक्चर पे, इनमें इफेक्ट लगा सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट में आपने स्टाइल सेलेक्ट किया है ये, और इसमें 3D इफेक्ट आप लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये पिक्चर ऑप्शन था जिसमें आपने पिक्चर्स की फॉर्मेटिंग देखी है। इसके बाद इंसर्ट में आप देख पा रहे हैं कि आपके पास शेप ऑप्शन दिख रहा है। आप अपने किसी पिक्चर को, जो आप पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट की है आपने, इस पिक्चर को कोई शेप भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर पिक्चर के शेप देने का भी फैसिलिटी दी हुई है कि पिक्चर को आप कोई शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कई सारे शेप हैं, उनको दे सकते हो आप। पिक्चर शेप एक ऑप्शन होता है जिससे आप अपनी इच्छा अनुसार कोई एडिशनल ऑप्शन भी के द्वारा भी पिक्चर की शेपिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपने कोई शेप जो आपको पसंद है उस शेप को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया तो पिक्चर जो है आपका इस शेप में डिस्प्ले होगा। यानी पिक्चर की फॉर्मेटिंग कई प्रकार से की जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें सपोर्ट करती हैं।
अगला ऑप्शन देखते हैं हमारे पास जो है इंसर्ट में शेप ऑप्शन और क्लिप आर्ट ऑप्शन। आपको मैं बता दूं कि क्लिप आर्ट जो है ये भी एक प्रकार का पिक्चर ही होता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक पिक्चर डिस्प्ले होगी, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रास्टर इमेजेस हैं और ये वेक्टर इमेज है। क्लिप आर्ट जो होती है वेक्टर इमेजेस होती है, ये पिक्सल्स के कलेक्शन से बनती है और ये मैथमेटिकल जो फॉर्मूले होते हैं उनके कलेक्शन से बनती है। दोनों में अंतर ही होता है कि इसको आप कभी भी कितना भी जूम करिए ये कभी ब्लर नहीं होता, इसका जो पिक्सल है वो फटता नहीं है, जबकि ये ब्लर हो जाएगा। फॉन्ट वेक्टर इमेज का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। बड़े बड़े बैनर में आप जब कंप्यूटर से ए बी सी डी टाइप करते हैं कभी वो ब्लर नहीं होता, लेकिन छोटी फोटो को आप बड़ा करते हैं तो पिक्चर फट जाती है। दूसरी बात है कि हम इसके कंपोनेंट्स को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया और इसके ग्रुप में जा करके अनग्रुप कर सकते हैं या एडिट पिक्चर कर सकते हैं। हम लोग एडिट पिक्चर करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा और एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसको एडिट किया और इसका जो हेयर कलर है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। देखिए आप यहाँ पर कलर को चेंज कर पा रहे हैं, कुछ इसके फॉर्मेट्स को चेंज कर पा रहे हैं। इस तरीके से हम इनके ड्रेस को या पिक्चर एलिमेंट्स को हम चेंज कर पाते हैं यहाँ पर। तो मैं जैसे इसकी ड्रेस की कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर जा कर के हम इसकी ड्रेस की कलर चेंज कर सकते हैं। तो रन टाइम पर हम अपने हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें एक्टिव कर सकते हैं। ये ऐसा तभी पॉसिबल होता है क्योंकि ये वेक्टर इमेजेस है, प्लस इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। देखिए आप इनके कंपोनेंट्स को आप अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दो कंपोनेंट्स लगा करके तीसरा कंपोनेंट बाद में ऐड करना है। तो इस तरीके से पिक्चर्स के कंपोनेंट को भी हम यहाँ पर ऐड कर पाते हैं। तो ये अंतर होता है वेक्टर इमेज एंड रास्टर इमेज में। फिलहाल हमारा जो टॉपिक वेक्टर एंड रास्टर इमेज नहीं है बल्कि क्लिप आर्ट है। तो क्लिप आर्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च ऑप्शन आएगा जिस टाइप के आपको डिज़ाइन चाहिए। जैसे मैंने कार लिखा तो कार के कुछ क्लिप आर्ट्स जो है पहले से बनी बनाई आपको मिल जाएंगी। आप उनको ऐड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया रहता है। नए नए क्लिप आर्ट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए अगला जो हमारा ऑप्शन है वो देखते हैं इंसर्ट में जो है स्मार्ट आर्ट और शेप। शेप ऑप्शन में आप जाएंगे तो कई सारे यहाँ पर शेप की डिज़ाइन बनी हुई है। आप इनको ऐड करिए, इनका कलर चेंज करिए, इनमें इफ़ेक्ट लगाइए और इस तरीके से आप अपने शेप को एक्टिव कर सकते हैं और अट्रैक्टिव शेप्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। शेप को कोई कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे आपको लाइंस के लिए कुछ यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है, बेसिक शेप्स में आपको कुछ शेप्स दिए हुए हैं, ब्लॉक्स में कुछ शेप दिए हुए हैं, इसी प्रकार से फ्लो चार्ट बनाने के लिए भी कुछ शेप यहाँ पर दिए हुए हैं। आप फ्लो चार्ट काफ़ी आसानी से इसमें तैयार कर सकते हैं। तो ये शेप ऑप्शन था। अगला हम देखते हैं कि लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास स्मार्ट आर्ट के ऑप्शंस हैं। तो आप देखेंगे स्मार्ट आर्ट का जो ऑप्शन है इससे हम लिस्ट, आजकल की जो लिस्ट है आपने देखा होगा कि कई प्रकार की लिस्ट, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया लिस्ट में ये वाला ऑप्शन, तो आप यहाँ पर लिस्ट तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहले लिखा मान लीजिए DCA, यहाँ पर सेकंड टेक्स्ट लिखता हूँ मैं DCA PGDCA। तो इस तरीके से हम इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने कई लिस्ट को थोड़ा सा एडवांस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर लिस्ट को हम देख पा रहे हैं कि पहले जो हम लिस्ट बनाते थे उसको इस तरीके से कुछ अट्रैक्टिव तरीके से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट आर्ट की वजह से हो रहा है। अगला जो टॉपिक है हम चार्ट के बारे में देखेंगे कि चार्ट हम कैसे तैयार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं चार्ट कैसे तैयार करते हैं MS Excel में।